हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मानसिंह राठौर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस करेंगे तो इसमें 9 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं और इन 9 स्टेप में आपका कुछ ना कुछ लगता ही है। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको अपना जीमेल एड्रेस डालना होगा, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है और आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। और ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं, या तो आपको ये मैनुअली फ़ोटो खींच खींच के भी अपलोड करने पड़ सकती हैं, नहीं तो कुछ डीमैट अकाउंट ऐसे होते हैं जो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को फेच कर लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। उसके बाद बैंक प्रूफ होना चाहिए। अब बैंक प्रूफ में आपके पास पासबुक है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक आपको लिमिट मिलती है कि आप इंट्राडे और डिलीवरी में ही ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप उसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 6 मंथ की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर पासबुक लगाते हैं तो आपका FNO एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर आप स्टेटमेंट भी लगा देते हैं तो आपका FNO एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इधर आपकी एक लाइव सेल्फी लगती है, एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड होता है, और इसके बाद लास्ट में जाके होता है ई साइन। और ई साइन के लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे 24 से लेकर 48 घंटे में या उससे पहले भी। तो कुछ डीमैट अकाउंट के मैंने लिंक दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर उनमें से आपका कोई पसंद है तो आप ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होगा अभी के अकॉर्डिंग। अगर फ्यूचर में चार्ज लगने लगें तो उसका तो भाई नहीं पता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।